नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। 3 दिवसीय फुल्याच मेला बड़ा कम्बा 5 सितंबर से शुरू। इस अवसर पर आज भावनगर में बड़ा कम्बा फुल्याच मेले पर चर्चा हुई। इस चर्चा में निचार SDM श्रीमती विमला वर्मा, नायब तहसीलदार भावनगर, BDO भावनगर, DSP भावनगर के साथ उषा माता मंदिर के सभी कारदार व पंचायत प्रतिनिधि व नारायण विकास कमेटी कम्बा मंदिर के कारदार व सदस्य, महिला मंडल सेकंड बड़ा कम्बा व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि फुल्याच मेले को बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्ष सामने आए, जिसमें उषा माता मंदिर की ओर से मेले को जुलूस निकाला जो जाएगा, उसमें वरिष्ठ लोग ही उस जुलूस में शामिल होंगे और साथ में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही मेले में शराब को बिल्कुल प्रयोग ना करेंगे और विष्णु नारायण विकास कमेटी की ओर से अगर कोई इस मेले में भाग लेना चाहता तो कोई मनाए नहीं है। इस जुलूस में विष्णु नारायण विकास कमेटी ने 15 से 20 लोगों को भाग लेने को कहा गया, लेकिन उषा माता मंदिर की ओर से 50 से ज़्यादा जुलूस भाग लेने की अनुमति करने लगे। ऐसे में विकास नारायण कमेटी लोग नाखुश होकर इस मीटिंग से बाहर निकल गए, लेकिन SDM महोदय ने उषा मंदिर कारदार वार कमेटी को भीड़ भाड़ को कम करने के आदेश व दिशा निर्देश दिए हैं। SDM साहिबा और BDO की ओर से सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर इस मेले को पुरानी कुरीतियों को लाया जाता है तो भविष्य में ऐसे मेले बिल्कुल बंद किए जाएंगे। वर्तमान में इस मेले का कार्यभार तहसीलदार व DSP साहब के देखरेख में होगा और यह मेला 5 तारीख से 7 तारीख तक पुलिस प्रशासन के देखरेख में होगा। साथ में प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडिया भी इस मेले में निगरानी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आज हमारी जो फुल्याच मेले में मीटिंग रखी गई थी SDM ऑफिस में फुल्याच मेले के बारे में, तो उसमें काफ़ी चर्चा हुई। तो उसमें से जो लास्ट निर्णय लिया गया तो उसमें हमारा बिल्कुल सहमत नहीं है। उस चीज़ से हम बिल्कुल नहीं मानते। हमारा ये था कि भी वहाँ से बिल्कुल मेला हटाया जाए और रास्ता ही चयन किया जाए। हमारे पास काफ़ी 2-3 रास्ते थे, मतलब वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे वहाँ से लाने के लिए। फिर उसके बाद हमारा फिर बातचीत हुआ, हमने बोला ठीक है, अगर वहाँ से आप लोगों ने ले जाना है तो ठीक है, 4-5, 5-7 आदमी जाओ, 15 जाओ, इससे मतलब ज़्यादा हम वहाँ से कोई परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मतलब हमारी बातों को दबाया जा रहा था, वहाँ पे सुनने को कोई तैयार नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब उन्होंने कहा कि भी हम 70-80 आदमी जाएंगे और 70-80 आदमी जब वहाँ से जाते तो मतलब एक जुड़ में मतलब हमारे को गाली दिया जाता है, अश्लील शब्द बोलते हैं। और उसके बाद हम वहाँ से मीटिंग छोड़कर निकल गए। हमने वहाँ से मतलब मीटिंग ही छोड़ दिया, हम उससे कोई सेटिस्फाइज नहीं है हमारे। और खासकर इस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, जिससे हम काफ़ी नाराज़ हैं सभी ग्रामवासी, क्योंकि ऐसी गतिविधियाँ जो है हमारे इलाके में, हमारे ग्राम बड़ा कम्बा में होती रही पहले भी, हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। धन्यवाद। हमारी तो सुन रहे नहीं थे जो लेडीजों की तो सुन रहे नहीं थे, मंजूर नहीं।